वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ पांच ऐसे सिंपल हेयर स्टाइल शेयर करूंगी जिसे आप इजीली बना सकते हैं और किसी भी ड्रेस के साथ वेयर कर सकते हैं। ये आपको बहुत ही स्टाइलिश और क्लासी लुक्स देंगी और बहुत सिंपल है बनाने में। ये मेरा नया चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि मेरी नई वीडियोस पे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक करना ना भूलें। हेयर स्टाइल नंबर वन। इस हेयर स्टाइल के लिए आपको अंदर की तरफ से थोड़े से बाल लेने हैं और उसे सुलझा लेना है और अब बस उस स्ट्रिंग को रोल करना है। एक बार प्रॉपर रोल हो जाने के बाद उस स्ट्रिंग को हेयर बैंड की तरह प्लेस करना है और फिर पिन से उसे सिक्योर करना है। आप इस स्ट्रिंग को ब्रेड में भी बना सकते हैं और नॉर्मल बाल की तरह प्लेन हेयर बैंड भी बना सकते हैं। हेयर स्टाइल नंबर टू। बालों को अच्छे से कॉम करने के बाद बीच की मांग निकालनी है। उसके बाद आगे की तरफ से दो सेक्शन करके हमें थोड़े थोड़े बाल अलग कर लेने हैं। जो हमने दोनों तरफ से दो सेक्शंस निकाले उन्हें छोड़ के पीछे से थोड़े से बाल लेके उसे पफ फॉर्म में बनाकर थोड़ा उठाकर क्लिप्स लगाएंगे। फिर जो हमारे आगे के दो सेक्शंस हमने छोड़े थे उनमें से एक एक स्ट्रिंग छोड़कर बाकी बालों को रोल अप करेंगे। अब दोनों स्ट्रिंग्स को एक साथ जोड़कर अच्छे से पास में लाके क्लचर से सिक्योर करेंगे। जितना ऊंचा आपका पफ होगा उतनी ही प्यारी हेयर स्टाइल रहेगी। हेयर स्टाइल नंबर थ्री। बालों को साइड से मांग निकालने के बाद आगे की तरफ से एक छोटा सा सेक्शन लेंगे और बालों को धीरे धीरे स्प्रेड करेंगे। उन्हें अच्छे से स्प्रेड करने के बाद स्ट्रिंग को ढीला छोड़कर पिन से सिक्योर करेंगे। दूसरी साइड पे भी हम सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। साइड में से थोड़ी स्ट्रिंग निकालेंगे एक्स्ट्रा लुक्स के लिए। हेयर स्टाइल नंबर फोर। बालों को काटकर बीच की मांग निकाल लेंगे। एक कटोरी में थोड़ा सा पानी लेंगे और फिर एक साइड से आगे की थोड़ी सी स्ट्रिंग लेंगे और उसे पानी से हल्का गीला करेंगे ताकि सारे बाल आपस में इकट्ठे हो जाएं और उसे एक रबर बैंड से सिक्योर करेंगे। फिर हम पहली वाली स्ट्रिंग के साथ पीछे से दोनों तरफ से बाल लेंगे और पानी लगा के फिर से दूसरी कलर की रबर बैंड से सिक्योर करेंगे। फिर से वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे और जो सबसे पहले रंग की रबर बैंड थी उसी कलर की रबर बैंड से सिक्योर करेंगे। इसी प्रोसेस से दूसरी साइड के भी बाल बना लेंगे। हेयर स्टाइल नंबर फाइव। जो हमारी नंबर फोर्थ की हेयर स्टाइल थी सेम वही हेयर स्टाइल है, बस जो हमारे बाल खुले थे हम उन्हें इकट्ठा कर एक हाई पोनीटेल में बना लेंगे और साइड में से बालों की स्ट्रिंग्स छोड़ देंगे ताकि थोड़ा प्यारा लुक आए। पोनीटेल जितनी हाई होगी उतना ही अच्छा लुक आएगा। जैसा कि आप लोगों ने देखा ये हेयर स्टाइल बहुत ही सिंपल है, आप कभी भी इसे वेयर कर सकते हैं स्कूल कॉलेज नॉर्मल डेज या किसी ओकेजन में। ये बहुत ही सिंपल है और बहुत ही अच्छा लुक देंगी। इन हेयर स्टाइल्स को जरूर ट्राई करिएगा और रिजल्ट्स मेरे साथ शेयर करिएगा। राधे राधे।